नमस्कार आदाब, इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना से आज की ताज़ा और अहम खबरों के साथ जलगांव समाज संवाददाता अभिषेक की खास रिपोर्ट। फिर एक बार नजर आया डॉक्टर में भगवान का रूप, आधार। हॉस्पिटल ने दिया सादिया को आधार। बात है भुसावल की। सादिया खान की, सादिया असलम खान, उम्र 14 साल। सादिया पिछले 2 महीने से बीमार चल रही थी। देश में कोरोना का कहर और 8 महीने का लॉकडाउन, जिसमें हर घर की हालत खराब, उसमें बेटी को अज्ञात बीमारियों ने जकड़ लिया। पिता की गरीबी हालत, 1 महीना तो भुसावल के किसी अस्पताल में जैसे तैसे करके निकाल लिया। परेशान हाल सादिया के पिता ने अहमद कुरैशी, माजी नगर सेवक भुसावल, इन्होंने जननायक फाउंडेशन के फरीद खान और फिरोज पिंजारी इनसे मुलाकात करवाई और सादिया के इलाज में मदद करने की इल्तिजा की। जननायक के संस्थापक फिरोज पिंजारी ने उन्हें सरकारी अस्पताल और गोदावरी अस्पताल की सलाह दी और पूरी मदद करने की बात कही। लेकिन बच्ची की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर पहले उनके एक बच्चे की सरकारी अस्पताल में मौत होने के कारण सादिया की माँ ने बताया और मदद की गुहार लगाई। फिरोज पिंजारी ने कहा कि हम कुछ करते हैं और आधार हॉस्पिटल जलगांव के ऑनर डॉक्टर शोएब पटेल ने फ़ोन कर सारी हकीकत बताई। डॉक्टर शोएब ने आधार हॉस्पिटल के MD डॉक्टर किरण कुमार सर से बात की और आधार हॉस्पिटल में पेशेंट को लाने के लिए कहा। फरीद खान, इन्होंने डॉक्टर शोएब को इनकी गरीबी हालत के बारे में बताया। डॉक्टर ने पहले बच्ची को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, जो पैसे नहीं भी हो तो चलेगा, और आधार हॉस्पिटल की मदद से आज सादिया को नया जीवन मिला है। सादिया के माता पिता जननायक फाउंडेशन और आधार हॉस्पिटल को दिल से दुआएं दे रहे हैं और 17 दिन अस्पताल में बीतने के बाद सादिया अपने पैरों पे चल के घर जा चुकी है। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। आपका कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरी लड़की एडमिट थी। अच्छा। उनका पिताजी और सादिया भी असलम खान का। अच्छा। मेरा नाम असलम खान है। अच्छा। और जिस दिन ओपनिंग हुई थी उस दिन मेरी लड़की को मैंने एडमिट किया था यहाँ पे। हॉस्पिटल की ओपनिंग के दिन आपने एडमिट किया? ओपनिंग के दिन 2 तारीख को 30 तारीख को ओपनिंग थी। 2 तारीख को मैंने एडमिट किया था। ICU में हमारा पहला पेशेंट था और हमारे को 4-5 भुसावल से लेके जलगांव तक 4-5 डॉक्टर ने मना कर दिए थे, तो मैंने आधार हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। अच्छा। आज यहाँ अच्छे से इलाज हो गया। आज 17 दिन के बाद में मेरी बच्ची अच्छे से घर जा रही है, कोई तकलीफ नहीं है। जिसके दूसरे डॉक्टर ने गारंटी दिया था डॉक्टर ने, वो आधार हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट पूरा हो गया। 17 दिन में आपकी बच्ची अच्छी हो गई। 17 दिन में हमारी बच्ची ठीक हो गई। आप घर ले जा रहे हो उसको? घर ले जा रहे हो 17 दिन के बाद। ओके। डॉक्टर इसरार शेख। सर कौन सा हॉस्पिटल से आप? आधार क्रिटिकल केयर। सर ये बच्ची का ट्रीटमेंट आपने किया है? जी। क्या प्रॉब्लम था बच्ची को? बच्ची एक्चुअल में जब हमारे पास में आई ऑन डे 1 पेशेंट सी वाज इन सेप्सिस और सेप्टिक शॉक था, मल्टी ऑर्गन फेल्यूअर था, लीवर किडनी डैमेज थी पूरी तरह से, यूरिन जो उसका पेशाब था वो पूरी तरह से शट डाउन था, कलर उसका पूरा डार्क था यूरिन का, उसके बाद में पूरा एडिमा था, मतलब लुक वाइज पेशेंट जब आई तो ऐसे लग रहा था 25-30 ईयर फीमेल लेडी है। अच्छा। और लेकिन जब उसका एज हमको पता लगा फाइल पे तो 14 उसका एज था। अच्छा। 14 और इसके में जब उसको मालूम पड़ा कि पूरा सेप्सिस जैसा पिक्चर था तो हिसाब से फिर एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, फिर उसके बाद में एक्सरे में प्लूरल डिफ्यूजन 2 बार हमने। अच्छा, मल्टी प्रॉब्लम था इसका। तो सर टैपिंग भी की? टैपिंग किया, उसको इन्वेस्टिगेशन भी किया, उसमें कुछ में ट्यूबरकुलर जो है TB के जरासीम मिले और किसी में नहीं मिले, तो फिर भी हमने एम्पिरिकल AKDs को शुरू रखा, जिसकी वजह से उसका जो घबराहट उसकी जो रिकवरी आया। हाँ। उसके और कितने दिनों से? काफ़ी दिनों से एडमिट है ये। तकरीबन 1 तारीख को एडमिट हुई थी तो आज समझो 17 है, मतलब 18 दिन हो गए उसको। 18 दिन में ये बच्ची ओके हो चुकी जी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू।